अपन शुरू कर रहे हैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। तो आपको ये जो वीडियो है ये ज़रूर देखना चाहिए, चाहे कोई भी आपका बोर्ड है या कंपटीशन एग्जाम है, जिसको अपन बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेज। एंड लॉस ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी है, थोड़ा सा लेंथी है, कंसेप्ट है, समझिए। शेयरिंग का मतलब है कि अगर अपन दो चार्ज को कनेक्ट कर दे, दो कंडक्टर को अगर कनेक्ट करते हैं, दो को, जैसे मान लीजिए दो कंडक्टर हों, अगर सपोज ए एंड बी, इन दोनों को साइड से कोई रिलेशन नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर इन दोनों को अपन कनेक्ट करते हैं, ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, अगर चार्ज एक है दूसरा नहीं है तो भी चलेगा। जैसे आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता है कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। मेन चीज़ है कब तक करेगा, जब तक दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि एक तो ये कंडक्टर है जिसका ए नाम है, एक दूसरा वाला कंडक्टर ये है, सपोज ये कंडक्टर है वो बी है, ध्यान से देखना, इसका चार्ज है वो क्यू वन है, इसका पोटेंशियल वी वन और कैपेसिटेंस सी वन है, अपन को नहीं पता कितना क्या है, इसका है वो क्यू टू है, वी टू है एंड सी टू है। अब बिफोर चार्ज कनेक्टिंग, अभी कनेक्ट नहीं किया मैंने इनको, बिफोर कनेक्टिंग मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिफोर कनेक्टिंग मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका एनर्जी है हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, करेक्ट है, इसका एनर्जी है हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, जो भी है दोनों को ऐड कर दो तो बिफोर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी आ गया, तो यू इक्वल टू हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर, बन गया इक्वेशन। अब जैसे आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे, जैसे मान लीजिए आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो अब चार्ज शेयर होगा, ट्रांसफर होगा, और वो कैसे होगा, वो होगा जो ज़्यादा वाला पोटेंशियल है वो या तो आपको गिवन होगा या आप क्वेश्चन से समझोगे या आप खुद जैसे इमेजिन करो, जैसे मान लो वी वन ग्रेटर देन है वी टू से, सपोज मैंने खुद ने माना है, दिया हुआ नहीं है मुझे, या हो सकता है वी टू वी वन से बड़ा हो, तो जैसे मैंने ये कंसिडर किया वी वन ग्रेटर देन वी टू, तो चार्ज ए से बी की तरफ जाएगा, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टर हो गया, अब इसमें से चार्ज फ्लो होगा ए टू बी, कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, इसका तो कुछ कम होगा पोटेंशियल, इसका कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका चार्ज तो थोड़ा कम होगा क्यू वन डेस, इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा क्यू टू डेस, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज सेम नहीं होगा, मैंने ये नहीं बोला है, मैंने बोला है दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और फिर फ्लो रुक जाएगा। कैपेसिटेंस कभी चेंज हो नहीं सकता है ऐसे केसेज में, तो इसका रहेगा सी वन, इसका रहेगा सी टू, ये नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, तो अगर वी कम हो रहा है इसका, सी क्यू कम हो रहा है तो वी भी तो कम हो रहा है, तो रेशियो तो वही रह गया, इसका क्यू ज्यादा हो रहा है इसका वी भी तो ज्यादा हो रहा है तो इसका भी रेशियो वही रह गया, तो सी वन सी टू चेंज नहीं होंगे। अब मेन चीज है कि जब चार्ज इसमें से फ्लो हुआ तो इसमें गर्म हुआ, हीट के फॉर्म में थोड़ा एनर्जी लॉस हो गया, ये हीट अपन बाद में निकालेंगे, ये एनर्जी लॉस भी बोल सकते हो आप इसको, और इसको हीट भी बोल सकते हो, लॉस ऑफ एनर्जी है या हीट है वो अपन बाद में निकाल लेते हैं। अब बताओ इसका एनर्जी कितना है आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग कितना एनर्जी है, पहले वाले का हाफ सी वन वी स्क्वायर, दूसरे वाले का हाफ सी टू वी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी हो गया यू डेस, बराबर नहीं है क्योंकि मैंने कहा ना लॉस हो गया इसमें, तो पहले वाला ज्यादा होता है, तो यू डेस इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो सी वन प्लस सी टू, अब इतना है। अब एनर्जी लॉस कैसे निकालें, इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको करें, इसमें से उसको करना पड़ेगा क्योंकि लॉस हुआ है वो इसके बाद हुआ है, तो ये ज्यादा है वो कम है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ये हो गया लॉस एनर्जी, जिसको आप हीट भी बोल सकते हो
और उसको डेल्टा यू भी बोल सकते हो। उल्टा मत कर देना, इसमें से इसको मत कर देना। अब चलो अपन कर देते हैं। तो डेल्टा यू इक्वल टू, इसका तो फॉर्मूला था हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस इसका है हाफ वी स्क्वायर सी वन प्लस सी टू। अब अपने दिक्कत आ गई एक कि अपने पास v का वैल्यू नहीं है, और v को कहते क्या है, v को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। देखो v दोनों में कॉमन है। अब मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि इसमें चार्ज है q1, इसमें है q2, इसमें है q1 डैश, इसमें है q2 डैश, क्या ये दोनों चार्ज q1 और प्लस q2 और q1 डैश प्लस q2 डैश दोनों बराबर है क्या? बराबर है, क्योंकि चार्ज जितना q1 प्लस q2 है दोनों को ऐड कर लो उतना ही q1 डैश प्लस q2 डैश है, चार्ज थोड़ी कम हो गया, नहीं हुआ, टोटल उतना ही रहता है चार्ज हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। तो देखना ध्यान से, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, मेरे को फॉर्मूला बनाना है कॉमन पोटेंशियल का, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है देख लो आप। कॉमन पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, V इक्वल टू होता है Q बाई सी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉमन पोटेंशियल का टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 है, चाहे लिख दो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मैंने अभी समझाया है दोनों बराबर हैं, तो मैं Q1 प्लस Q2 लिख देता हूं। अपॉन कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2, यही तो है V। अब अगर इसको अपन दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो Q1 की जगह क्या लिख सकते हो, C1 V1 भी लिख सकते हो, Q2 की जगह C2 V2 भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो वहां V1 C1 है। तो मैं Q1 की जगह C1 V1 पुट कर दूंगा, Q2 की जगह C2 V2 पुट कर दूंगा, ताकि मेरे पास और इजी हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, थोड़ा लेंथी है इसीलिए मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे इसमें समझा रहा हूं। तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये V का फॉर्मूला है। अब अपन ये यहां रख देंगे और सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करोगे, तो डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ इसका स्क्वायर करो, तो C1 V1 प्लस C2 V2 ऊपर वाले का ऊपर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर है वो नीचे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया इसका भी, हो गया इसका भी, इंटू C1 प्लस C2। अब इसे एक पावर इसकी पावर कैंसिल हो गई, तो डेल्टा U इक्वल टू हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसमें भी हाफ है इसमें भी है बाहर ही ले लो इसको, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपॉन C1 प्लस C2। अब आगे चलो, अब उसको होल स्क्वायर कर लो पहले, तो डेल U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 और अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। अब LCM ले लो C1 प्लस C2, अब अपन LCM ले लेते हैं C1 प्लस C2। तो देखिए यहां आप गलती मत कर देना, तो डेल U इक्वल टू हाफ छोड़ दो और बाकी मैंने LCM ले लिया है C1 प्लस C2, तो C1 इससे भी होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, C2 इससे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले C1 से कर लो दोनों, तो C1 C1 से हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, अब इससे करो C1 को तो C1 C2 V2 स्क्वायर, अब C2 को इससे करो तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 वाले को C2 से करो तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस खोल ब्रैकेट खोल दो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर
माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू। अब ये और ये तो कट गए और आपके पास ये रह गया बस, डेल इक्वल टू हाफ अपॉन में तो वही रहेगा सी वन प्लस सी टू, एक तो ये रह गया सी वन सी टू वी टू स्क्वायर, एक रह गया सी वन सी टू वी वन स्क्वायर और एक रह गया टू सी वन सी टू वी वन वी टू। अब सी वन सी टू कॉमन आ रहे तो डेल यू इक्वल टू हाफ सी वन सी टू कॉमन और अपॉन वाला भी इधर ले लो सी वन प्लस सी टू, क्या बच गया वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस ए सी टू। क्या लिखोगे इसको, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर लिखोगे या वी टू माइनस वी वन का होल स्क्वायर लिखोगे? वी वन माइनस वी टू का लिखूंगा मैं तो, क्यों, क्योंकि मैंने ये माना था, पहले याद करो अपन ने जब शुरू किया था तो मैंने ये माना था कि वी वन ग्रेटर देन है कि से वी टू से, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये एनर्जी लॉस होता है डेल यू। अब इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कैसे, और आपके हैबी बुक में, कि एक कैपेसिटर है या एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस है 600 पिको फेरेड। ध्यान से देखना एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहा है एक कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर है 600 पिको फेरेड का, तो फेरेड में बदल लो तो 6 × 10⁻¹⁰ फेरेड हुआ, जिसको 200 वोल्ट से चार्ज किया है, तो वी उसका कितना हुआ 200 वोल्ट हुआ। एक कैपेसिटर और है न्यूट्रल, उसका कैपेसिटेंस भी 600 पिको फेरेड ही है, −10 फेरेड है, मतलब 6 × न्यूट्रल है मतलब अनचार्ज है, तो वी टू जीरो है। अब वो कह रहा है इसको इससे कनेक्ट कर दो और एनर्जी लॉस बताओ, तो यही तो हो गए कि डेल यू इक्वल टू हाफ सी वन सी टू की वैल्यू पुट करो, तो सी वन इतना ही सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, और वी वन माइनस वी टू तो 200 − 0 का होली स्क्वायर, जूल लगा देना आ गया आंसर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक टॉपिक इसमें है तुम्हारा जो बोर्ड में आया हुआ भी है, आ तो ये भी सकता है आ वो भी सकता है, तो वो क्या था, वो ये था कि प्रूव दैट दोनों कंडक्टर को जब कनेक्ट करेंगे तो दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इसमें और इसमें, उन दोनों का रेशियो जो है वो डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू बराबर आना चाहिए सी टू अपॉन सी वन के, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू इक्वल आना चाहिए सी टू बाई सी वन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे आप देख लो, सिंपल है कि ये कंडक्टर था वो, ये था क्यू वन वी वन और सी वन, दूसरा कंडक्टर ये था क्यू टू वी टू और सी टू। अब आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ए को बी से कनेक्ट कर दिया मान लो, तो हीट लॉस तो ये तो हो गया क्यू टू डैश, ये हो गया वी दोनों का सेम, और ये हो गया सी टू, ये हो गया क्यू वन डेस, ये हो गया वी और ये हो गया सी वन। कॉमन पोटेंशियल की अगर जरूरत पड़े तो कितना आया था, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को। अब ध्यान से देखो, मैं आपसे अगर ये कहूं कि ये पोटेंशियल था जैसे 2 वोल्ट सपोज और ये था 1 वोल्ट, अब यहां से यहां चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज से अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन को डिफरेंस पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल तो हुआ कम ये हुआ ज्यादा और दोनों बराबर हो गए, जैसे ये भी 1.5 हो गया और ये भी 1.5 हो गया और दोनों का फ्लो रुक गया, तो वी वन और वी में कौन बड़ा है, वी वन बड़ा है वी से, तो डेल्टा वी वन कैसे निकालोगे, समझने वाली चीज यही है, वो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। डेल्टा वी टू कैसे निकालोगे, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, अरे ये ज्यादा नहीं है ये छोटा है इससे, तो इसका मतलब डेल्टा वी टू कैसे निकालोगे, वी टू में कितना चेंज हुआ, वो वी माइनस वी टू से निकालना पड़ेगा और दोनों को डिवाइड कर देना, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो
डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू इक्वल टू ये बन गया वी वन माइनस वी अपॉन वी माइनस वी टू। वैल्यू पुट करो तो वी वन माइनस वी ये रहा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस ए सी टू अपॉन वी ये यहां लिखो अब सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू और माइनस का वी टू और ये हो गया डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू। तो डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू इक्वल टू इसमें भी एलसीएम आएगा सी वन प्लस सी टू इसमें भी एलसीएम आएगा सी वन प्लस सी टू वो तो कट जाएगा। तो पहले तो इसका देख लो सी वन को इससे करो मल्टीप्लाई सी वन वी वन फिर सी टू को इससे करो प्लस सी वन वी टू सी टू वी वन सी टू वी वन ब्रैकेट खोल दो माइनस सी वन वी वन और माइनस सी टू वी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू है वो तो इसमें भी आएगा तो वो तो कट जाएगा। अब इसका देखो सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू माइनस ये इससे भी होगा ये इससे भी होगा तो माइनस सी वन वी टू और माइनस का ही सी टू वी टू अब कट रहा है देखो इनमें कुछ जैसे सी वन इसे कट गया सी वन वी वन वाला इसमें सी टू है वी वन है और इसमें वी टू है तो नहीं कटेगा। इसमें देख लो ये हो गया तुम्हारा सी वन वी वन इसमें ये कट जाएगा तो क्या वैल्यू आया डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू इक्वल टू उसमें तो रह गया सी टू वी वन माइनस सी टू वी टू अपॉन इसमें रह गया सी वन वी वन माइनस सी वन वी टू। अब उसमें सी टू कॉमन ले लो तो वी वन माइनस वी टू बच गया इसमें सी वन ले लो तो वी वन माइनस वी टू बच गया। अब इससे कट जाएगा तो सी टू अपॉन सी वन और इधर है डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बोर्ड में एक बार आया है सिंपल है। अब इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स या कोलैप्स ऑफ जैसे ड्रॉप्स है उन अपन को पढ़ना है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं ड्रॉप्स से रिलेटेड जो आप क्वेश्चन करोगे वो कैसे करोगे। आपको एंड स्मॉल ड्रॉप्स दी भी होंगी देखो ध्यान से ड्रॉप्स स्मॉल एन है एक आपको उनको मिला के लार्ज ड्रॉप बनानी है एक ही बनानी है आपको। तो ध्यान से देख लो आप स्मॉल वाली की रेडियस स्मॉल आर अपन मान लेते हैं स्मॉल वाली का चार्ज जो है वो भी स्मॉल क्यू मान लेते हैं स्मॉल वाली का कैपेसिटेंस है वो सी या सी डैश मान लेते हैं सी डैश मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो वी डैश मान लेते हैं और इसका जो एनर्जी है वो भी अपन यू डैश मान लेते हैं। इस वाले के सब बड़ी मान लो इसका रेडियस बड़ा आर चार्ज भी कैपिटल क्यू ठीक है वोल्टेज है वो वी और ये है वो यू। अब आपको वो रिलेशन पूछेगा आर आर में क्यू क्यू में सी 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 डैश में वी वी डैश में यू यू डैश में। तो पहले तो आप ये देख लो मैंने स्मॉल वाले इसके लिए हैं या डैश वाले और बड़ा या बिना डैश वाले उसके लिए। अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आर आर का रिलेशन। तो देखना आप कंसेप्ट याद रखो बस एक ही दो ही कंसेप्ट याद रखने कुछ भी नहीं करना है। पहला कंसेप्ट कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स जो छोटी वाली ड्रॉप है उनका एन का इक्वल होता है हमेशा लार्ज ड्रॉप के बस अगर ये जिसके याद रह गया वो कभी गलत नहीं करेगा। अब स्मॉल ड्रॉप का स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर क्यूब कितनी है वो एन तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू बड़ी वाली एक ही है और कैपिटल आर है अब ये तो कट गया तो एन आर क्यूब किसके इक्वल हो गया आर क्यूब के तो आर का वैल्यू आ गया एन की पावर वन बाई थ्री इंटू आर। ये आपको एक तो याद आना चाहिए कि दोनों की रेडियस में ये रिलेशन होता है एक चीज आ गई। दूसरा अब आपको आना चाहिए चार्ज ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज आना चाहिए आपको चार्ज ऑफ ऑल
स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल होगा चार्ज ऑफ लार्ज ड्रॉप। तो स्मॉल ड्रॉप का चार्ज एक का क्यू था, टोटल कितनी है एन, तो एन क्यू हो गया। ये बड़ी वाली के इक्वल एक आपको ये आना चाहिए। अगर ये दो आपको आ रहे हैं तो आपको सारे आ जाएंगे। दो चीजें हो गई क्लियर कि सब छोटे वाली का चार्ज बड़ी वाली के बराबर हो जाएगा, सम कर दो एडिटिविटी। तो ये रेडियस का रिलेशन हो गया, चार्ज का हो गया। तीसरा क्या था, कैपेसिटेंस। क्या था, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पहले स्मॉल वाली का देख लो, वो होता है 4πε0r, जिसको मैंने सी डैश माना था। अब बड़ी वाली का देख लो, c इक्वल टू 4πε0r, डिवाइड कर दो दोनों को, तो c अपॉन सी डैश इक्वल टू, ये तो कट जाएंगे, तो r बाई आर आ गया। r का वैल्यू कितना है, n की पावर 1/3 r अपॉन r, r से r है कैंसिल। तो क्या आया कि c अपॉन सी डैश इक्वल टू n टू द पावर 1/3, या c इक्वल टू n टू द पावर 1/3 c डैश। क्लियर है, तो बहुत सिंपल है। अगला क्या था, पोटेंशियल की वैल्यू। तो एक स्पेरिकल का आपको पोटेंशियल आना चाहिए, फोर्थ वाला पोटेंशियल v इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल r, ये छोटा वाले का है जो मैंने v डैश लिया था। बड़े वाले का क्या होगा, k कैपिटल q कैपिटल r, डिवाइड करो, तो v अपॉन v डैश इक्वल टू k से के कट गया, q बाई r इन टू, डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, इसकी क्या थी एन क्यू, इसकी एन टू दी पावर 1/3 आर, आर अपॉन क्यू, आर से आर कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो एन की पावर ऊपर वन है ये ऊपर जाएगी, तो 1-1/3 हो जाएगा वी अपॉन वी डैश, तो वी अपॉन वी डैश इक्वल टू एन टू दी पावर 2/3 बच गया। या तो ये लिखोगे आप, या वी इक्वल टू एन टू दी पावर 2/3 वी डैश, बात खत्म। लास्ट एनर्जी, पांचवा जो था, एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो छोटी वाली का तो ये ले लो सी डैश वी डैश स्क्वायर, बड़ी वाली का ले लो हाफ सी वी स्क्वायर, डिवाइड करो तो यू अपॉन यू डैश इक्वल टू, हाफ से हाफ तो कट जाएगा, तो सी वी स्क्वायर अपॉन सी डैश वी डैश का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट करो, सी कितना होता है, ये रहा ना, ये रहा देखो, n की पावर 1/3 c डैश होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं ना n की पावर 1/3 c डैश। v कितना होता है, ये रहा n की पावर 2/3 v डैश, तो n की पावर 2/3 v डैश स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन c डैश इनटू v डैश का स्क्वायर, और ये है u अपॉन u डैश, तो u अपॉन u डैश इक्वल टू C डैश से C डैश कट जाएगा, V डैश का स्क्वायर से V डैश स्क्वायर कट जाएगा। बट यहां गलती नहीं करनी है, N की पावर 1/3, N की पावर 2/3 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, N की पावर है 4/3, और V डैश स्क्वायर से V डैश स्क्वायर कट गया, तो U अपॉन U डैश इक्वल टू 1/3 और 4/3 को ऐड कर दो, 3 LCM 5/3, तो u का वैल्यू क्या आ गया, n की पावर 5/3 u डैश। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्या क्या, समराइज कर देता हूं। सबसे पहला r इक्वल होता है n की पावर 1/3, दूसरा q होता है n q, तीसरा कैपेसिटेंस c होता है n की पावर 1/3 c डैश, चौथा पोटेंशियल v होता है n की पावर 2/3 v डैश, पांचवा एनर्जी होता है n की पावर 5/3 u डैश। बस ओके।